वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पंचकूला की राजीव कॉलोनी में पंचकूला पुलिस द्वारा रेड की गई और भारी मात्रा में घर में छुपाई गई शराब बरामद की गई। आपको बता दें कि सेक्टर 16 के चौकी इंचार्ज सुशील कुमार व उनकी टीम ने सेक्टर 17 की राजीव कॉलोनी में मकान नंबर 1061 में रेड मारकर 428 पौवे, 2 पेटी अंग्रेजी शराब, 1 पेटी हाफ अंग्रेजी शराब बरामद की है। सेक्टर 16 के इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया कि मुखबरी के आधार पर सूचना मिली थी कि मकान नंबर 1061 में रहने वाला मुकेश कुमार अपने घर के आगे गली में शराब बेच रहा है, जिसके बाद सूचना मिलने के आधार पर वहां के पार्षद पंकज को रेड पार्टी में शामिल कर पुलिस ने रेड की, जहां से आरोपी के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब को बरामद किया गया है। वहीं मौके पर पुलिस पार्टी को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध शराब मामले में जाँच की जाएगी। हाँ जी, हम आज शाम के समय में करीब 5:30 बजे पेट्रोलिंग पे जा रहे थे, तो जब हम नाका विजिलेंस के पास करीब 5:30 बजे पहुँचे ही थे, किसी मुखबर ने हमें सूचना दी कि भाई एक मुकेश नाम का लड़का है जो गली के अंदर शराब बेच रहा है। जो हमने फौरी अपनी रेडिंग पार्टी वहीं से तैयार करके, और इसी बीच हमें इत्तेफाक से हमारे MC हैं जो वार्ड नंबर 6 के पंकज जी, वो मिले, उसको भी हमने अपनी रेडिंग पार्टी का हिस्सा बनाया और उनको साथ लेके हमने रेड की, तो वहाँ से भारी मात्रा में देसी शराब और इंग्लिश की शराब जो कि लॉकडाउन के अंदर वो बेच रहा था, और पुलिस पार्टी को देख के वो लड़का कॉलोनी के तरफ पिछली साइड में भाग गया, जिसका हमने काफ़ी तलाश की लेकिन वो नहीं मिल पाया। लेकिन हमने जो मौका पर उसके घर के अंदर से शराब 428 पौवे देसी शराब थी और 2 पेटी रोल्स टाइप की थी और 1 पेटी जो आधे होते हैं यानी कि हाफ इंपीरियल ब्लू अंग्रेजी शराब, और 1 पेटी है तो 1 पौवे क्वार्टर यानी कि क्वार्टर वो भी मारकर इंपीरियल ब्लू है। तो जो हमने ये भारी मात्रा में शराब पकड़ी है, और हम शीघ्र ही उस आरोपी मुकेश को भी गिरफ्तार कर लेंगे और इसके बारे में हम पूरी गहनता से अनुसंधान करेंगे कि ये शराब कहाँ से लेके आया है। फिलहाल जो बरामद शराब है उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि ये सेल फॉर चंडीगढ़ है, और वो हरियाणा के अंदर तो वैसे भी बिना परमिट के या बिना उसके लाइसेंस के शराब बेच रहा था, लॉकडाउन के अंदर बेच रहा था, जबकि हमारे जो ठेके हैं इस लॉकडाउन के अंदर सभी बंद थे और इन्होंने इसी ज़्यादा मुनाफा कमाने की नीयत से और यहाँ ला के बेचने की कोशिश की होगी, लेकिन हमने इसको सारे पूरे शराब के जखीरे को पकड़ा है और हमने मामला दर्ज करके इसकी छानबीन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पंचकूला की राजीव कॉलोनी में आरोपी ने अपने घर में भारी मात्रा में शराब रखी हुई थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेड की और आरोपी के घर से शराब की कई बोतलें बरामद की हैं। वहीं उपरोक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस चौकी सेक्टर 16 पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और इस मामले में आगामी दिनों में क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट।